यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। यार तो आज हम दोबारा से खेलने आने वाले माइनक्राफ्ट। और भाई आज हम बनाने वाले गाइस आयरन फार्म। अब गाइस वो आयरन फार्म कितना ही काम करेगा वो मेरे को नहीं पता, लेकिन अब बनेगा उसके ऊपर गाइस। उसमें कुछ AFK स्लीप पॉड ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा तो ही होगा। अब गाइस ये है हमारा शुगर केन फार्म, आप देख सकते हो मैंने कल बनाया, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग नहीं करी। अगर आप बोलोगे तो हम इसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और शुगर केन भी कलेक्ट हो चुका है गाइस हमारे। ओके 5 हो गए, अब और उगेगा तो और होगा। तो अब गाइस हम यहाँ ही आयरन फार्म बना लेते हैं। गाइस आयरन फार्म हमारा क्या हाइट पे बनने वाला है। आयरन फार्म गाइस यहाँ पे अच्छा लगेगा मेरे हिसाब से यहाँ पे। तो अब गाइस आयरन फार्म बनाने को हमें कुछ नहीं चाहिए गाइस, हमें सिर्फ ये सब सामान चाहिए। आप देख सकते हो एक बार ध्यान से, आते मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिख दूंगा ये सब, तब वहाँ से बना सकते हो। तो गाइस अब ठीक है, अब आपको यहाँ क्या करना है गाइस, 8 ब्लॉक ऊपर जाना है। अब गाइस मैं यहाँ से 8 ब्लॉक ऊपर जाता हूँ, नहीं मैं फेंस बना दूंगा यहाँ पे 1 2 3 4 5। ओके यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। अब 8 10 कितना भी ले लो गाइस, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गाइस अब ऊपर रहने से क्या होता है ना, आयरन फार्म की जगह थोड़ी कम हो जाती है और गाइस खाली लंबा दिखता है। और गाइस क्रीपर जैसा कुछ लॉस नहीं होता। अब यहाँ पे गाइस हमें क्या करना है, 5x5 का बनाना है, यानी अब ये 1 हो गया। अब हमें इधर 2 इस साइड 2 और लेना है, और हर जगह 2 2 और। अब गाइस देखो हमें साइड में ना एक स्टोन का ही लगाना है, लेकिन अब स्टोन अब मेल्ट करना पड़ेगा, इसलिए मैं कॉबल स्टोन से ही लगा देता हूँ। 1 2 3 4। अब गाइस रात को भी काम कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि गाइस रात को काम करने में कुछ नहीं होने वाला। ओके इस साइड इस साइड इस साइड। अब गाइस हमें एक साइड खाली एक जगह नहीं बढ़नी, बाकी सब जगह बढ़नी पड़ेगी। ओके अब हम गाइस सारे बेड लगा देते फटाफट। अरे भाई 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 जगह ही नहीं भाई बेड की, तो चलो 3 बेड लगाएंगे फिर। ओके डर्ट पे काम किए, यहाँ 5 बेड चाहिए आपको फिर उससे। अब यहाँ पे हम 5 बेड लगाने वाले हैं। देखो यहाँ से एक रास्ता है, यानी एक बेड अब हम लगाएंगे इस साइड, दूसरा बेड लगेगा, 3 बेड इस शेप पे लगेंगे, 1 2 3, और ये लास्ट गाइस हमारा बेड यहाँ आ गया। अब गाइस यहाँ पे हमारे सारे विलेजर्स सोएंगे। अब यहाँ पे हमें गाइस पूरा जो ग्लास है हम कवर कर लेंगे। तो गाइस अब हम सारा कवर कर लेंगे, आप देख सकते हो 1 2। यहाँ गाइस हमें पहले विलेज, ओ भाई अरे कुछ, ओके ठीक है। अब यह पूरा पैक हो चुका है। अब यहाँ पे गाइस हम आयरन चेस्ट और हॉपर कनेक्ट करने वाले हैं। अब हॉपर कनेक्ट बिल्कुल नहीं होते मेरे से, तो यार बहुत ज़्यादा टाइम हॉपर कनेक्ट करने में लगने वाला है। ओके अब बीच में क्या करना था, हमें बीच में शायद कॉबल स्टोन से ही पैक कर लेता हूँ मैं, 11 कॉबल स्टोन पड़े हैं। अब मेरे पास वो है नहीं, नहीं तो मैं सब वही कांच ही करता। ओके अब इससे क्या होगा ना, ठीक है अब गाइस हमें यहाँ चेस्ट यहाँ कनेक्ट कर लेते हैं। अब गाइस चेस्ट कनेक्ट होगी नहीं होगी वो किसको पता है, नसीब बोलते और ये नसीब बोलते। और गाइस हम पॉप चॉप देखने की ट्राई करेंगे। चलो गाइस एक बार में तुम्हारे भाई ने चेस्ट कनेक्ट कर ली, देखो ये 1 2 3 4 मां बम। ओके सारी सब चीज हमारे इसमें ही आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, गालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। ओके अब यहाँ पे गाइस हमें वो ब्रिक वॉल लगानी है, जिसके हम ऊपर हमारा आयरन गोलम स्पॉन होने वाला है। तो ठीक है अब यहाँ पे एक, अरे हॉपर पे नहीं, 2000 years later. ये हॉपर ऐसे तुम्हारे भाई ने कनेक्ट करा ना, सीधा ही अंदर जाता है भाई, तेरी भैंस की लगी नहीं रहा भाई, मुझको नहीं खेलना। ये बड़ी अच्छी बात कही है गाइस, अगर यार ये रात जा ही नहीं रही भाई, रात हो खत्म हो भाई हम। अरे यार नीचे वाले ब्लॉक पे लगना तू, टेस्ट होगा ना, टेस्ट में भी नहीं है। ओक फैंस ये लगाने ट्राई करूं,
अब यार जो भी सामान है और शायद तक तो ये रुक चुका है, मोस्ट ऑफ तक तो ठीक है गाइस ये रुक चुका है। अब गाइस यहाँ पानी फेंका जाएगा, हाँ ठीक है पानी आ गया। और यार लावा ये पानी, अब यहाँ गाइस आयरन गोलम स्पॉन होने वाला है, क्यों होगा लेकिन भाई विलेजर्स कहाँ है हमारे पास, कॉबलस्टोन ही बच गया ओपी। और भाई वाटर बकेट है मेरे पास, इसलिए मैं गाइस तीन वाटर बकेट ला रहा हूँ, क्योंकि गाइस मैं यार ज़्यादा ही होशियार ना यार, वाटर बकेट ट्रिक करेंगे कोई काम नहीं आने वाली वाटर बकेट ट्रिक। तुम्हारा भाई का नसीब भी इतना फूटा हुआ हो सकता है ना, देखा आपने लापरवाही का नतीजा भाई, कभी कोई ट्रिक काम नहीं आती। देखो लिटरली भाई ऐसा फाउंटेन देखा आपने गई भाई, ये हमारा शुगर केन फार्म देखो अपने आप कट जाएगा। ओ भाई कोरोना कोरोना हो गया भाई मेरा यारी समझ गई। अब गाइस हमें सिर्फ ऊपर विलेजर्स लाने हैं और क्या, विलेजर गाइस मुझे ना चाहते हुए क्रिएटिव है। ओ भाई हमारा वीट फार्म देखो भाई, वीट फार्म देखो भाई ओपी लग रहा है। ओ भाई दरवाजा किसने तोड़ दिया भाई, रोज कोई ना कोई आके थूकड़ फोड़ के जा रहा है भाई पूरे घर की भाई। भाई हमें क्या चाहिए था, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर पानी नहीं निकल सकता ना अभी। ओके देखो अब पानी नहीं आ रहा यार, यानी ओहो इसका एक और लड़का था, मैंने एक और लड़का दिया था भाई, भाई अब वापस छोड़ के यार तो वापस एक और लड़का देना पड़ेगा, ब्रीडिंग करानी पड़ेगी यार। ओ भाई इतना सारे आ गए, इतने सारे आ गए, अब लॉक करो लॉक करो लॉक करो, नहीं 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 कैसे मारेंगे इनको। अब गाइस देखो हमारा गोलम कितना ही काम करेगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन अब फाइनली गाइस हमारा आयरन फार्म आज के लिए बन चुका है।